जय श्री राम। हमारे इस चैनल में कथा रहस्य में आप सभी का स्वागत है। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है कथाओं पे आधारित है। कथाएं हमको ज्ञान देती है, कथाएं हमको जीवन चलाने की शिक्षा देती है, कथा हमारे जीवन का कल्याण करती है और कथाओं से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी अनेक कथाएं हमारे सनातन धर्म में विद्यमान है जिनके रहस्य को हम जान नहीं पाते और केवल ऊपरी कथा सुन करके उन पर शंका करने लगते हैं। इसलिए यह चैनल जो है कथा के पीछे के रहस्य को बताने के लिए निर्माण किया गया है। चाहे वो भागवत महापुराण की कथा हो, रामायण की कथा हो, शिवपुराण की कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, महाभारत की कथा हो, 18 पुराण की कथा हो, जिसमें छिपे हुए भाव को हम यहाँ उजागर करेंगे और उजागर करके उसके रहस्य को आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत महापुराण से। श्रीमद् भागवत महापुराण को पुराण का तिलक कहा गया है। इसमें गोकर्ण की कथा मिलती है। गोकर्ण की कथा आप सभी परिचित हैं उनसे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का पुत्र हुआ गोकर्ण। गौ माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। कान था गौ के समान, इसलिए उसको गोकर्ण कहा गया। पर बड़ी विचित्र बात है, अभी तक के आत्मदेव का संतान नहीं हुआ। निराश होकर वो महात्मा के पास में गए जंगल, और महात्मा ने उनको एक फल दिया। उस फल को ला करके अपनी पत्नी धुंधली को दिए, पर धुंधली उस फल को ग्रहण नहीं की, उसे गौ को खिला दी। और समय आने के बाद में गौ माता के गर्भ से सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। शरीर मनुष्य का है पर कान है गौ के समान, इसलिए उसको गोकर्ण कहा गया। पर अड़ी बड़ी अद्भुत बात है, संसार में ऐसा कौन सा फल है जिससे संतान होता है? महात्मा ने आत्मदेव महाराज को ऐसा कौन सा फल दिया जिससे संतान की प्राप्ति हुई, वो भी गौ माता के गर्भ से? ये चिंतन का विषय है, विचार करने का विषय है। क्या वो केले का फल था, नारंगी का फल था, मौसम्बी का फल था, जाम का फल था, नारियल का फल था, आम का फल था? कौन सा ऐसा फल है जिससे संसार में संतान होता है? तो बताया गया है संसार में ऐसा कोई फल नहीं होता, और ऐसा फल अगर होता तो कई लोग जो हैं निसंतान नहीं रहते, वो भी फल को लेकर के आते और बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते, उनका भी सुंदर संतान हो जाता। पर ऐसा कौन सा फल दिया गया जिससे गौ माता का सुंदर संतान हुआ? तो कथा का चिंतन करोगे, कथा को पढ़ोगे तो बड़ा सुंदर जवाब मिलता है। संत महात्मा ने ना उन्हें केले का फल दिया, ना आम का फल दिया, ना जाम का फल दिया, ना मौसम्बी का फल दिया। महात्मा ने उन्हें अपने जीवन के पुण्य का फल प्रदान किया कि बेटे, मेरे पुण्य के फल के बदले, मेरे जीवन के सत्संग के फल के बदले, मेरे जीवन के तपस्या के फल के बदले तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और उसी फल को लेकर के आत्मदेव महाराज आए और आकर के धुंधली को इस फल को दिए, पर धुंधली जो है इस पुण्य के फल को स्वीकार नहीं कर पाई और इस फल को गौ माता को खिला दिया गया। समय आने के बाद में गोकर्ण का जन्म हुआ। जो पुण्य के फल को ग्रहण करेगा, सत्संग के फल को ग्रहण करेगा, तपस्या के फल को ग्रहण करेगा, उसी का संतान गोकर्ण जैसा ज्ञानी होगा। और जो पाप के फल को ग्रहण करेगा उसका बेटा जो है धुंधकारी जैसा पापी होगा। इसलिए कहा गया है धुंधकारी महाखल हुआ, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। इसलिए हमारे जीवन में तपस्या के फल का बड़ा महत्व है, सत्संग के फल का बड़ा महत्व है, किसी संत महात्मा के पुण्य के फल का बड़ा महत्व है। ऐसे ही सनातन धर्म के कथाओं के भीतर छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल कथा रहस्य से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं इसका प्रचार प्रसार करके हमें प्रोत्साहित करें। जय श्री राम।